हेलो फूडीज, आरती फूडी मील्स में आपका स्वागत है। बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। आज मैं पकोड़ों की ऐसी डिफरेंट रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो इंस्टेंट भी है और जो इंस्टेंट मैगी नूडल से बनेगी। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। मैगी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मैगी। इंस्टेंट नूडल्स आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मैगी यूज़ किया है। हम इसे पहले निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखा है, उसमें मैं डालूंगी नूडल्स। नूडल्स को हम उबाल लेंगे। जैसे हम नॉर्मली नूडल्स को उबालते हैं वैसे ही पका लेना है इसे, मगर हम इसमें इसका सीजनिंग मिक्स यूज़ नहीं करने वाले हैं अभी। पहले हम इसे ऐसे ही उबाल लेंगे। नूडल्स हमारे उबल गए हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर का यूज़ किया है, मैं इसे छान लूँगी। मैं यहाँ पर ठंडा पानी डाल रही हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा ना पक जाए। ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, उसमें मैं डालूँगी नूडल्स। उसी में हम मिक्स करेंगे कुछ वेजिटेबल्स। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा प्याज, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आप जो चाहें वो वेजिटेबल्स ले सकते हैं। थोड़ी सी पत्ता गोभी बारीक कटी हुई और थोड़े से टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पर। इसी में हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज। अब हम इसमें डालेंगे मैगी का सीजनिंग। लास्ट में हमें डालना है नमक। इसी में हम मिक्स करेंगे बेसन। 2 चम्मच बेसन ले रही हूँ मैं और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप चाहें तो इसके बॉल भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हैं छोटे छोटे बॉल्स, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी आप इसके छोटे छोटे पकौड़े डाल सकते हैं। ऐसे तोड़ के आप इसे डायरेक्ट तेल में डाल सकते हैं, मगर बॉल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने के लिए रखा हुआ है और उसमें मैं डाल दूंगी मैगी के पकौड़े और धीमी आंच पर हम इसे तल लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करते हुए हमें इसे तल लेना है। पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारे मैगी के पकोड़े। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, क्रिस्पी है। तो आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।